नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 27 मई 2022 की ग्रह स्थिति, मेष राशि में शुक्र राहु और चंद्रमा, वृषभ राशि में सूर्य बुध, केतु तुला राशि, शनि कुंभ राशि में, मंगल और बृहस्पति मीन राशि में गोचर में चल रहे हैं। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, उदर रोग से परेशान रहेंगे, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार भी आपका सही चलता रहेगा, खर्च पे नियंत्रण रखें, काली वस्तु का दान करें, शुभ होगा। वृषभ राशि, चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा, मन चिंतित रहेगा, सरदर्द और नेत्र पीड़ा परेशान करेगी, खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगा, एक थोड़ा सा नकारात्मक वातावरण बना रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार करीब करीब सही चलेगा, लाल वस्तु का दान करें, शुभ होगा। मिथुन राशि, अचानक धन की स्थिति बढ़ सकती है, धन का आवक बढ़ सकता है, लेकिन स्रोत पे ध्यान दें, धन का स्रोत जो है उस पर ध्यान दें, मन थोड़ा भ्रामक समाचार से परेशान रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति भी मध्यम रहेगी, व्यापार सही चलता रहेगा, शनिदेव को प्रणाम करते रहे, शुभ। कर्क राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, मन परेशान रहेगा, प्रेम और संतान की स्थिति ठीक ठाक रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा किसी तरह के कोई रिस्क न लें, कोर्ट कचहरी में अपमानित होने का भय है, ध्यान रखें, काली वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, यात्रा में कष्ट संभव है, अपमानित होने का भय दिख रहा है, स्वास्थ्य ठीक ठाक, प्रेम और संतान मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी करीब करीब ठीक चीजें ठीक चले, पीली वस्तु पास रखें, काली वस्तु का दान करें। कन्या राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रेम और संतान की स्थिति अच्छी है, चोट चपेट लगने का भय है, थोड़ा सा वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, लाल वस्तु का दान करें, शुभ होगा। तुला राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई नए व्यापार की शुरुआत ना करें, आपस में तूतू में मतलब प्रेम और जीवन साथी, यदि आप प्रेमी प्रेमिका है तो उसने या जीवन साथी शादी हो गई है तो जीवन साथी के साथ प्रेम में तूतू में का संकेत दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग समय ये कहा जाएगा, व्यापार सही चलता रहे, लाल वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, पैरों में चोट चपेट लग सकता है, ध्यान रखें, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम और संतान की स्थिति सुखद है, व्यापार भी आपका सही चलता है, काली वस्तु का दान। धनु राशि, मन परेशान रहेगा, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत खराब, व्यापारिक दृष्टिकोण से करीब करीब सही चलते रहेंगे, काली वस्तु का दान करें, लाल वस्तु पास रखें। मकर राशि, गृह कलह का संकेत है, घरेलू चीजों को बहुत शांत होकर निपटाएं, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, सीने में विकार संभव है, प्रेम और संतान मध्यम, व्यापार मध्यम, स्वास्थ्य मध्यम, काली जी के शरण में बने रहें, उन्हें प्रणाम करते रहें, अच्छा। कुंभ राशि, पराक्रम रंग लाएगा, किंतु किसी गलत आदमी की सहायता से व्यापार शुरुआत ना करें, आगे चल के मुश्किल हो सकता है, नाक कान गला की परेशानी संभव है, स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम, व्यापार करीब करीब मध्यम रहेगा, हरी वस्तु पास रखें। मीन राशि, गंदी भाषा की जुबान, गंदी जुबान के कारण आपस में तनाव हो सकता है, कौटुंबिक सुख में बाधा है, पूंजी का निवेश बिल्कुल मत करिएगा, घाटा लगेगा, किसी को रुपए पैसे मत दीजिएगा, लौट के नहीं आएगा, स्वास्थ्य प्रेम व्यापार मध्यम, मुख रोग के शिकार हो सकते हैं, काली वस्तु का दान करें, शिवजी का जलाभिषेक करें, शुभ। नमस्कार।